नमस्कार। सोलंकी और चालुक्या, एक्चुअली सोलंकी और चालुक्या ने गुजरात वाले जो एरिया है उस क्षेत्र में इन्होंने शासन किया। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये बनता है कि सोलंकी जो शासक थे वो कहाँ के शासक थे, या चालुक्या, सोलंकी चालुक्या जो है वो कहाँ के शासक थे। तो ये गुजरात के शासक थे मूलतः, ठीक है। तो इनमें इन शासकों में तीन चार शासक हुए, इन शासकों को हम क्रम से पढ़ेंगे और इन्होंने क्या क्या कार्य किए उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले मूलराज प्रथम आते हैं यहाँ पे। मूलराज प्रथम ने ऑब्वियसली इसकी स्थापना की, सोलंकी के चालुक्य की स्थापना, सोलंकी वंश की स्थापना जो है वो मूलराज प्रथम द्वारा किया गया। और इन्होंने अपनी जो राजधानी है उन्होंने अनहिलवाड़ा को, अनहिलवाड़ा गुजरात में है, तो अनहिलवाड़ा को इन्होंने क्या बनाया, कैपिटल बनाया, ठीक है। रही बात इनके धार्मिक मान्यता की, तो इन्होंने कुछ शासकों ने शैव धर्म को माना, कुछ शासकों ने जैन धर्म को भी माना। तो शैव और जैन, जैन दोनों कह सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद मूलराज प्रथम के बाद आते हैं भीम प्रथम। भीम प्रथम जो है, महमूद गजनी जब सोमनाथ पर 1025 ईस्वी में जब आक्रमण किया था, है 1025 ईस्वी में, तो उस समय जो शासक थे वहाँ के, सोलंकी वंश का शासन चल रहा था, तो भीम प्रथम ही शासन कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने, भीम प्रथम ने इसका विरोध भी किया था परंतु ये सफल नहीं हो सके, और महमूद गजनी काफ़ी धन वगैरह लूट करके भारत से अपने देश को वापस लौटा। इसमें एक फैक्ट यह है कि इसके, भीम प्रथम के एक सामंत थे जिनका नाम था बीमल। तो बीमल ने जो दिलवारा का जो जैन टेम्पल है, जो कि विश्व प्रसिद्ध टेम्पल है, हमें पता होगा ये दिलवारा का जो राजस्थान में है टेम्पल, क्योंकि जो गुजरात और राजस्थान जो है एक दूसरे से अटैच्ड है, तो गुजरात इन द सेंस कि इनका जो शासन है गुजरात और कुछ पार्ट राजस्थान में, कुछ पार्ट महाराष्ट्र में, तो इस तरह से इनका शासन क्रम चल रहा था। तो इसलिए जो दिलवारा जो जैन टेम्पल है वो इन्होंने, बीमल ने, बीमल कौन था, तो भीम प्रथम के सामंत थे, इन्होंने बनवाया, ठीक है। उसके बाद अगर सोलंकी वंश में अगर देखा जाए तो जय सिंह सिद्धराज जो है वो सोलंकी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे, और इन्हीं के दरबार में जो है हेमचंद्र रहते थे। हेमचंद्र जो कि क्या थे, एक जैन विद्वान थे, है ना। हेमचंद्र का संरक्षण किसको प्राप्त था, इनको किसने संरक्षण दिया था, तो जय सिंह सिद्धराज ने, ठीक है। अक्सर सवाल ये पूछा जाता है कि जय सिंह सिद्धराज जो है किनके, सॉरी, हेमचंद्र जो है किनके दरबारी विद्वान थे, तो जय सिंह सिद्धराज के, ठीक है। अब इसके बाद जो है जय सिंह सिद्धराज ने क्या किया, इन्होंने अपने जो सात पूर्वज जो होते हैं उनकी गजारोही मूर्तियाँ, गजारोही मूर्तियाँ मतलब उनके पूर्वजों को गज पे बैठा हुआ इस तरह का मूर्ति बना करके, सात पूर्वजों का, उन्होंने उसे स्थापित करवाया, ठीक है। और इन्होंने रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण जो है सिद्धपुर में करवाया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य इनके रहे। सबसे पहला कार्य तो ये था कि इन्होंने गजारोही मूर्तियाँ अपने सातों पूर्वजों की बनवाई। और दूसरी इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि हेमचंद्र जो जैन विद्वान थे वो इनके दरबार में थे, रुद्र महाकाल टेम्पल का निर्माण इन्होंने करवाया सिद्धपुर में। उसके बाद भीम द्वितीय शासक बने, और लवन प्रसाद, ठीक है ना, लवन प्रसाद जो थे इनके सामंत थे, और इन्हीं के सामंत के द्वारा एक अलग वंश, स्वतंत्र वंश, बघेल वंश की स्थापना की गई। इन्होंने भीम द्वितीय से स्वतंत्रता हासिल की और बघेल वंश की स्थापना की। और इसी बघेल वंश में जो अंतिम जो शासक इसमें होते हैं वो कर्ण द्वितीय होते हैं, और इस कर्ण द्वितीय को गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है। उसके बाद गुजरात जो है आपको मुसलमान शासक के कब्जे में आ जाते हैं और उनका शासन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाता है, ठीक
ठीक है, उससे पहले जो अंतिम हिंदू शासक था वो कर्ण द्वितीय था। किस वंश का? बघेल वंश का था ये, और गुजरात का अंतिम हिंदू शासक के रूप में जाना जाता है। तो एक बार हम इसे एक बार रिवाइज कर लेंगे कि क्या क्या हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखे हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया कि सोलंकी जो शासक थे वे गुजरात से संबंधित थे, गुजरात के शासक हुआ करते थे, और मूल राज प्रथम ने इसकी स्थापना की थी सोलंकी वंश की, और इसकी राजधानी इन्होंने अलिंदवाड़ा को बनाया था। इसमें सोलंकी वंश में शैव धर्म और जैन धर्म दोनों धर्मों को मानने वाले शासक हुए। मूल राज के बाद भीम प्रथम आए। भीम प्रथम के समय में महमूद गजनी का आक्रमण हुआ, सोमनाथ का आक्रमण, जिसे 1025 ईस्वी में कहा जाता है। उसके बाद बीमल जो है इसके सामंत थे भीम प्रथम के, इन्होंने जय दिलवारा का जैन टेम्पल बनाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछता है प्रश्न कि दिलवारा का जैन टेम्पल जो है किसने बनवाया, तो भीम प्रथम के सामंत बीमल ने बनवाया। तो कभी कभी भीम प्रथम भी दे देता है, तो आंसर वो होगा। अगर भीम प्रथम भी है और अगर बीमल भी है तो हम बीमल को सही करेंगे उत्तर, ठीक है। उसके बाद जय सिंह सिद्धराज आते हैं, ये बहुत ही काफ़ी शक्तिशाली शासक थे। इनके दरबार में हेमचंद्र रहा करते थे जो कि जैन विद्वान थे। इन्होंने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियाँ स्थापित करवाई, मैंने बताया रुद्र महाकार टेम्पल का निर्माण इन्होंने करवाया सिद्धपुर में। उसके बाद भीम द्वितीय आते हैं। भीम द्वितीय के जो सामंत थे लवन प्रसाद, इन्होंने बघेल वंश की स्थापना की, स्वतंत्र वंश की, और इसमें बघेल वंश में जो अंतिम शासक हुए कर्ण द्वितीय, ये अंतिम हिंदू शासक, गुजरात के अंतिम हिंदू शासक के रूप में जाने जाते हैं। इसमें एक फैक्ट मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, वो फैक्ट मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो मोहम्मद मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण है वो भीम द्वितीय के समय में ही हुआ था, और वो भीम द्वितीय जो है मोहम्मद गौरी से बुरी तरीके से क्या होता है, पराजित होता है, और इस तरह से जो सोलंकी वंश है उसका क्या हो जाता है, समाप्ति हो जाती है। ठीक है, थैंक यू।